दोस्तों, नया फ़ोन लेने की खुशी तो सभी को होती है, बट दिक्कत तब आती है जब पुराना होने लगता है और उसके कैमरे, माइक्स एंड स्पीकर में धीरे धीरे धूल जमने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप धूल को बिना फ़ोन को डैमेज किए किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑडियो जैक एंड चार्जिंग जैक वगैरह, कैमरे के आसपास की धूल, फिंगरप्रिंट की धूल एंड आपके माइक की धूल को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे डस्ट बहुत ज़्यादा हमारे फ़ोन के अंदर घुसने लगता है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मेरा चैनल फिर से नहीं मिलने वाला, आप मेरे चैनल को ढूंढते ही रह जाओगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कॉमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह तरीका कैसा लगा। दोस्तों, इसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा पेट्रोल, एक छोटा सा कॉटन, एक कपड़ा और साथ में एक माचिस की तिल्ली। दोस्तों, माचिस की तिल्ली के ऊपर आपको छोटा सा कॉटन का टुकड़ा उसके ऊपर लपेटना है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना है और पेट्रोल के अंदर भिगोना है। और ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉटन एंड कपड़े का उपयोग नहीं करना है, उतना ही करना है जितना आपके जैक्स के अंदर वो इंसर्ट हो सके। तो उसको आपको सिंपली कॉटन एंड कपड़े को, तिल्ली पे लपेटे हुए कॉटन एंड कपड़े को आपको पेट्रोल में भिगोना है, अपने जैक्स के पोर्ट के अंदर उसको धीरे धीरे से क्लीन करना है। दोस्तों, ज़्यादा जोर मत दीजिएगा क्योंकि आपके पोर्ट भी डैमेज हो सकती हैं, तो आपको धीरे धीरे उन सभी जगह क्लीन करना है जहाँ पे डस्ट एंड मिट्टी लगी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा फ़ोन एकदम क्लीन हो जाएगा। आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने कवर को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह तरीका कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।